खबर रैब रिली जनपद से, जहां शिवगढ़ बैतिग्राम पंचायत भवन में पुलवामा में शहीद 40 सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दुर्गा वाहिनी ब्लॉक संयोजिका टीनू चंद्रा और विजय लक्ष्मी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। पंचायत भवन बैती के प्रांगण में 5 बजे जो 40 जवान पुलवामा में आतंकियों द्वारा शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ब्लॉक संयोजिका द्वारा बताया गया, 14 फरवरी को पुलवामा में धोखे से आतंकियों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया गया था। इसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में मां भारत की के सपूतों को सत सत नमन है। यह भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मौके पर मौजूद आरएसएस पूर्व संचालक शिवगढ़ राजा राम मौर्य, मनोज गुप्ता, मोहम्मद गुलजार, रवि रावत, अभिषेक मनसाराम, निधि श्रीवास्तव, विमले श्रीवास्तव, अमन जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम जो है हमारे पंचायत भवन व्यक्ति में 40 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम हमारे जो शहीदों को आतंकियों ने धोखे से मार दिया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं शिवगढ़ के तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले लगाए गए, जिनमें लगभग 250 मरीजों ने निशुल्क जांच करवा कर दवाएं प्राप्त की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देहली में डॉक्टर समीक्षा और डॉक्टर सुनीता के नेतृत्व में 80 मरीजों की निशुल्क जांच कर दवाएं दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेरथुआ में डॉक्टर विजय और डॉक्टर कामिल के नेतृत्व में लगे स्वास्थ्य मेले में 75 मरीजों की निःशुल्क जाँच कर दवाएं दी गई। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर सीवर में डॉक्टर राकेश और डॉक्टर भावना व डॉक्टर पूनम शर्मा के नेतृत्व में लगे स्वास्थ्य मेले में 115 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजेश गौतम ने बारी बारी से तीनों स्वास्थ्य मेलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सब ठीक मिला। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।